आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, पर प्रचार तेजी में आ गया है। पिछले दिनों शिवराज सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने डबरा में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहकर विवाद खड़ा किया कि सत्ता सरकार कलेक्टर से कहेगी कि हमें ये सीट चाहिए तो मिल जाएगी। इसे सत्ता और शासकीय तंत्र का दुरुपयोग बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शिकायत की, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग और ग्वालियर कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की गई है। SCN न्यूज इस ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंछें बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंछें बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर जिन्हें चाहे कलेक्टर से सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। इतना बहुमत होता है कि अगर जिन्हें चाहे कलेक्टर से सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। भोपाल से हर्षिता वंत्रप की रिपोर्ट।